हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आया हूँ झारखंड महोत्सव में जो हर साल यहाँ पे लगता है। गाइस, वैसे तो जमशेदपुर बड़ा सिटी नहीं है आप लोगों के सिटी के जैसा, बट गाइस इतना अच्छा ये सिटी, इतना ब्यूटीफुल है। आप आओगे ना गाइस यहाँ पे तो आपको दोबारा आने का ज़रूर ही मन करेगा। तो गाइस, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, अभी हम आए हैं झारखंड महोत्सव में। तो गाइस, मुझे यहाँ आने का टिकट का प्राइस का मैं बात करूँ तो 20 रुपये लगे। और हाँ गाइस, यहाँ पे आपको डांस देखने के लिए मिलेगा, रैप सॉन्ग मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत सारा यहाँ पे आपको सामान जो सेल होता है, मार्केट लगा रहता है गाइस, देखने मिलेगा। गाइस, ये बिष्टुपुर रीगल ग्राउंड में ये होता है कॉन्सर्ट हर बार। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा हिप हॉप चल रहा है गाइस। और आगे आपको देखने मिलेगा गाइस डांस बैटल, जो यहाँ पे डांस बैटल होता है ना गाइस, पूरा यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड इकट्ठा होता है देखने के लिए जमशेदपुर से। अगर मैं टाइमिंग का बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो आप 12:30 PM टू 9:30 PM यहाँ पे आ सकते हो। मतलब इवनिंग टाइम भी इंजॉय कर सकते हो, नाइट टाइम भी। With so much feelings. Oh shit, he's looking at me. Oh my god. Rohit, represent the Jamshedpur. Woo! Check some details. चिकनापन हो चुका है, इसी के लिए जैसे दोनों टेबल उधर मिक्स करके लगाना। ये वाला क्या है? जो चिकनापन होते हैं, जो बाल नहीं रहते, उसी ने दोनों टेबल मिक्स करके लगाना। सबको चिकनापन हो चुका है सर? हाँ हो, हाँ साइड वाला। हाँ, उसी के लिए दोनों टेबल लगाओ सर। हाँ यहाँ साइड। गाइस, इस वाले कॉर्नर पे आपको घर का मफलर, टोपी, सूट और भी बहुत कुछ सामान यहाँ पे आपको ख़रीदने के लिए मिल सकता है। जो ड्रेसिंग के लिए आता है, साड़ी ओड़ी भी यहाँ पे अवेलेबल है। बट हाँ, प्राइस का बात करूँ तो गाइस, प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाई रहेगा। गाइस, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग सब यहाँ पे है। झारखंड महोत्सव में आने के बाद मेरे को मालूम चला कि यहाँ पे पेंटिंग भी सेल होता है, और भगवान का बहुत सारा फ़ोटो है यहाँ पे। गाइस, बहुत ही प्यारा भाई, जो भी पेंटिंग किया ना, मतलब बहुत ही मस्त फ्रेम में है। बट वही है गाइस कि कुछ चीज़ों का दाम सस्ता है और कुछ चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब एक्सपेंसिव तो बहुत चीज़ मिल जाएगा आपको, और सस्ता शायद कम ही मिले, क्योंकि सस्ता चीज़ वही है गाइस, मतलब
आप नहीं लोगे, मतलब थोड़ा सा ले लोगे, 10 दिन में कुछ ख़राब हो गया उस टाइप में है। जैसे दुर्गा पूजा का मेला में या गणेश पूजा का मेला में बच्चा लोग का खेलने के लिए लगाया जाता है, वैसे यहाँ पे बहुत सारा झूला लगाया गया है बच्चा लोग के लिए खेलने के लिए। मैं प्राइस का बात करूँ तो पर टिकट आपको 50 रुपीज़ लग जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारा घर का सामान सेल हो रहा है, सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, गमला के लिए पॉट वॉट है, घर का डेकोरेशन का सामान यहाँ पे है। और गाइस जैसे हर मेला का सामान को पता है गाइस आपको, मेला का सामान कैसा मिलता है, कैसा रहता है। जब लास्ट होगा ना गाइस, जब मेला ख़त्म होने को आएगा तो शायद ये सब सामान सस्ता दाम में निकल जाए। फ्रेंड्स आप एक बार डिज़ाइन देखो ये सब में, रात में देखने टाइम ना पूरा अट्रैक्शन करेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है जितना यहाँ पे सामान है। देख रहे हो ग्रीन ब्राउन और वाइट जो कलर किया गया है ना गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब आप देखोगे ना फर्स्ट टाइम तो आपको मन करेगा कि खरीद ही ले इसको, क्योंकि जितना अट्रैक्ट कर रहा है ना गाइस, ये देख रहे हो पूरा मतलब अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं इसको लेना ही है, लेना ही है। जिसको अच्छा लगे गाइस वो लोग खरीद रहा है। जैसे यहाँ पे दो भैया और दीदी खरीद रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ और ब्यूटीफुल ड्राइंग देखने के लिए मिलेगा। मेरे को लगता है गाइस ये हैंडमेड है, मतलब हाथ से इसको पेंटिंग किया गया है। आई डोंट नो बट बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है ये भी। यहाँ पे भी गाइस आप फोटो क्लिक करवा सकते हो। देख रहे हो पूरा कितना ब्यूटीफुल लाइन से पेंटिंग लगा हुआ है सेल के लिए। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, हाँ कमेंट कर दो आपने यहाँ पे विजिट किया कि नहीं। तो गाइस जल्दी ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।